हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग शिवांगी ट्रैवल ब्लॉग्स में आपका ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, बड़ों को मेरा प्यार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज के ब्लॉग गेट हो चुका है बंद और देखो कितने बच्चे खड़े हैं बाहर, क्योंकि आज से सर्कुलर आया था कि 9:30 के बाद गेट बंद हो जाएगा। तो ये देखो लेट लतीफ बच्चे इतने सारे, सब लेट हो रही है। सलोमी भी लेट हो रही है गाइस, सलोमी टाइम से नहीं आ सकती। देखो गाइस कितने बच्चे खड़े हैं साथ। टाइमिंग होता है 9:30 और हम 9:35 या 40 में पहुंचे, तो गेट ना बंद हो चुका है। अब देखते हैं कब खुलता है गेट गाइस। फाइनली गेट खुल चुका है और देखो सब लोग भेड़ बकरियों की तरह आ रहे हैं गाइस। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने कॉलेज से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हमारी एक क्लास हो चुकी है और एक क्लास अभी हो रही है और धूप बहुत ही ज़्यादा आ गई। और अगर मैं डार्क प्लेस में बनाऊँ तो ब्लॉग अच्छा नहीं आएगा ना, इसलिए मैं धूप में आकर ब्लॉग बना रही हूँ। तो देखते हैं गाइस आज क्या ही होता है। तो अभी तो क्लास तो हो रही है, तो अभी हमारा थोड़ी देर में लंच होगा, तो क्लास करते हैं उसके बाद आप उससे मिलते हैं गाइस। अभी मैं लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा पास प्रैक्टिस आ रही चल रहा है। तो ये जी पैट की बुक और ये मैं जाना देख रही थी कि जी पैट का सिलेबस कैसा आता है, तो वही देख रही थी। तो अभी क्लास में जाएंगे तो देखते हैं क्लास में क्या होता है, क्योंकि सर मैम ने तो हमको क्लास में आने नहीं दिया और आज का अटेंडेंस भी काट लिया। बड़ा दुख होता है कॉलेज आओ और अटेंडेंस का मिले। तो अभी मैं ये बुक पढ़ती हूँ, उसके बाद चलते हैं क्लास में। गाइस मेरे ब्लॉग देखे थे इनने, तो ये मुझसे मिलने आए थे। अभी तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। आपका नाम क्या है? मेरा विक्टर सर। तो कौन से है? फर्स्ट ईयर। तो कैसा लग रहा है कॉलेज में? अभी तो अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस बहुत ही खुशी होती है कोई आते हैं तो मिलने के लिए। थैंक यू आए थे मुझसे मिलने के लिए। देखो आपका नाम क्या है? हाँ अनन्या। गाइस यहाँ पर हो रही है हॉस्टल स्पोर्ट्स मीट की तैयारी और मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ तो नहीं मिल पाएगा आप लोग को देखने को। अभी जा रहे हैं हम, क्लास हो चुकी है, अब रूम को जा रहे हैं। सो गाइस क्लास तो ओवर हो चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ रूम को। तो अब बज रहे हैं शाम के 4:30 और आज ना हमारी 4:30 बजे तक क्लास थी, तो बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। तो गाइस चलते हैं रूम की तरफ को, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई क्योंकि आज 4:30 बजे तक क्लास थी। शाम के 6:30 बज रहे हैं अभी। तो आज मैं ना जिम जा रही हूँ, अभी थोड़ा जल्दी जा रही हूँ आज। और दिन तो मैं 6:30 में जाती हूँ, तो आज अभी चले जा रही हूँ। तो अभी रोज की तरह मैं गौ माता को देती हूँ यहाँ पर रोटी लेके आई हूँ रोज, क्योंकि सुबह देना भूल गई थी। सुबह लेट भी हो रहा था कॉलेज के लिए, इसलिए तो गौ माता को रोटी खिलाते फिर चलते हैं। गाइस छोटी वाली गाय को यानी रोटी खिलाती हूँ मैं, देखो कितने प्यार से खाती है, रोज देती हूँ मैं इसको। अभी हम बड़ी गाय को देते हैं, देखो कैसे मारने आती है ये ले खा ले। देखो कैसे खा रही है ना। शाम को हल्की सी बारिश हुई थी, बिल्कुल हल्की सी, बस 10 मिनट हुई होगी और ठीक हो रहा है। वैसे उतनी गर्मी तो नहीं आजकल, बट बहुत ही ज़्यादा हल्की सी बारिश हुई थी। और अभी जा रही मैं जिम के लिए गाइस। देखो मौसम ना कुछ ऐसा हो रहा है आज का, तो अभी जा रही हूँ मैं जिम को गाइस। तो ज़्यादा पसीना मार लिया मैं आज, क्या बताऊँ। देखो इसको, ये भी आ जाएगा इस जिम में, पर मैं अपना पैर तोड़ दिया गाइस। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं जिम से भी आ चुकी थी और मैंने ना गणपति बप्पा की ना आज पूजा भी कर ली और उनको ना टीका वीका भी लगा लिया, पूजा पाठ भी कर ली, क्योंकि ना आज गणेश चतुर्थी है।
तो गाइस गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से।